है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल। सो हालांकि आप लोग का 6 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है, सो सबसे पहले तो उसके लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ताकि सभी लोग अच्छा पेपर अपना कर सकें। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपके लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं, 4 तारीख एंड 5 तारीख, है ना। सो उन 2 तारीख में आप किस तरीके से फिजिक्स को ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, फाइनल रिविज़न आप फिजिक्स का कैसे करेंगे, जिससे आप ईजिली कम से कम जो है वो 50 मार्क अचीव कर सकें आप अपने नीट एग्ज़ाम में। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, और आई होप शायद उस कंटेंट को रिवाइज़ करने में मुश्किल से आप लोगों को 5 से 6 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सो आज उसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। सो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ताकि सब्सक्राइब कर दे, है ना, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, है ना, जिससे कि आप इजीली जो है वो फाइनल डे में रिवीजन करके आप कम से कम 50 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो पहला, अगर मैं बात करूँ, पहला टॉपिक आपका है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। सो यूनिट एंड डायमेंशन में से कम एक क्वेश्चन आपका हर बार नीट में रहता है ना, 4 नंबर क्वेश्चन वहाँ से फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन में बहुत ही, एक तो आपका क्वेश्चन आता है सिंपल, है ना, डायरेक्ट फार्मूला गिवन होता है, उसका डायमेंशन आपको बताना होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें यूनिट डायमेंशन में, जिसमें आपको कोई भी एक अननोन वैल्यूज गिवन होती हैं, यानी कि कोई फंक्शन गिवन होता है ना। सो उसका हमें फाइंड आउट करना होता है डायमेंशन। सो पहला चैप्टर तो हमको ये रिवाइज़ करना है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमको क्या रिवाइज़ करना है, अब वेक्टर। सो वेक्टर में कम से कम मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 8 मार्क्स का, है ना। सो इसमें मोस्टली क्वेश्चन कौन पूछे जाते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा जाता है ना। 2 वेक्टर्स आपके गिवेन होते हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लो, या फिर अगर आपको मान लीजिए 2 वेक्टर गिवेन होते हैं और कहा जाता है वो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर कंडीशन गिवेन होती हैं, तो हमको उस वेक्टर को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है यूनिट वेक्टर गिवेन होता है और उसमें हमको फाइंड आउट करना होता है यूनिट वेक्टर लिखते हैं कैसे। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, ताकि वो आप इजली से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तीसरा टॉपिक आता है न्यूटन लॉ मोशन, है ना। न्यूटन लॉ मोशन हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फिर भी मैंने वीडियो में भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से जाके बताया, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है जो क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, पहला चीज़ तो 2 ब्लॉक गिवन है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे इस तरीके से 2 ब्लॉक गिवन होता है ना, और इसके बीच में पूछा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, इधर से एफ फोर्स लग रहा होता है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और टेंशन में जाके आपका इस तरीके से ब्लॉक गिवन होता है, इस तरीके से टेंशन टी लग रहा होता है, तो पूछा जाता है इन दोनों के बीच में टेंशन का होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है इस टाइप में, ठीक है। तो ये एक आपको ये रिवाइज़ करना है, ठीक है। देन फोर्थ आते हैं लॉजिक गेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसमें आपके 3 ही गेट हैं, और गेट, एंड गेट, है ना, एंड नॉट गेट, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट गेट हैं, इन्हीं में से हर बार क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत इजी होता है ना। पांचवा चैप्टर जो है वो आपका है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको मिनिमम कम से कम जो है वो 3 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला चीज़ तो पढ़ना है आपको वर्क फार्मूले, है ना, जो भी आपके प्रोसेस हैं, यानी आइसोबैरिक है ना, थर्मल है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक है, तो ये सारे प्रोसेस के वर्क कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, कई बार एफिशिएंसी गिवन होता है, एफिशिएंसी अगर मान लीजिए कभी कभी एफिशिएंसी पूछी जाती है, तो उसमें फाइंड आउट करना होता है कि टेम्परेचर ऑफ सिंक या टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर का होगा, यानी कि 3 ही अननोन होते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर और एफिशिएंसी, इन्हीं तीनों में से कोई 2 चीज़ गिवन होती है और एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। बाकी एक आता है इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, इंटरनल एनर्जी क्योंकि हर जगह पे इंटरनल एनर्जी हर प्रोसेस के लिए कॉन्स्टेंट फार्मूला होता है, तो वो याद करना होता है। इसके अलावा एक और चीज़ में पूछा जाता है CP एंड CV में रिलेशन, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जाके जो है वो आपको ये रिवाइज़ करना है ना,
इसके अलावा जो एक चैप्टर और आपको रिवाइज करना है वो कुछ चैप्टर्स और हैं, तो वो आपके चैप्टर और कौन कौन से हैं इसके अलावा, है ना? जो आपका 6 नंबर चैप्टर है वो आपको रिवाइज कर लेना है प्रोग्रेसिव व्यू, ठीक है? प्रोग्रेसिव व्यू, ठीक है? प्रोग्रेसिव व्यू से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर होता है ना, और कम से कम 8 मार्क्स हो जाते हैं इसी से। अब इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहला तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू, ठीक है? इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू, तो इसमें से अब इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू आपको पढ़ना है ना? इसी से आपको क्या फाइंड आउट करना होता है कि आप फ्रीक्वेंसी बता दो क्या होगा, है ना, टाइम पीरियड बता दो क्या होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको इक्वेशन को कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा इसी में पूछा जाता है आपका सो डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है ना? डॉपलर इफेक्ट पे आपके चार ही टाइप के कंडीशंस होते हैं, एक इसमें आपका सोर्स होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ लिजनर, है ना? ये दोनों आपको लिखने आना चाहिए। इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर दोनों इस तरीके से अगर जा रहे हों, या फिर दोनों इस तरीके से आ रहे हों, या एक इस तरीके से जाता हो एक इस तरीके से आता हो, है ना? तो इस टाइप के जो डिफरेंट आपके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। उसके अलावा इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, वो आपको पढ़ना होता है जो आपका ऑर्गन पाइप्स होता है, ठीक है? ऑर्गन पाइप में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, मोस्टली क्या पढ़ना होता है इसमें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड जो आपके हार्मोनिक्स हैं, ठीक, ये चीज़ आपको पढ़नी होती है। तो यहाँ से इन्हीं 3 चैप्टर में से मोस्टली ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना? यहाँ से आपको टोटल को ओवरऑल कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इसलिए मिल जाते हैं, ठीक। सो इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है ना? ये तो 6 चैप्टर थे, उसके अलावा आपको जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो एक आपका है मॉडर्न फिजिक्स है ना? मॉडर्न फिजिक्स में आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है? यहाँ से कम आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएंगे, है ना? 8वां जो छोटा टॉपिक है वो है आपका फ्रिक्शन है ना, सर्कुलर मोशन है, ठीक है? तो यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो इजीली मिल जाता है, ठीक है? तो अब जो टॉपिक हमने अभी तक बताए हैं, है ना, इन्हीं अगर 9 टॉपिक को आप कवर अप कर लेंगे कम से कम आप फाइनल नीट एग्ज़ाम में, ठीक है, जब आपका फाइनल नीट का पेपर होगा, इजीली आप मिनिमम 50 या 50+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, और आए शायद ये सारे टॉपिक को रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 5 से 6 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज अभी आपका 5 तारीख है, या सॉरी आज अभी 4 तारीख है, तो आज आप आराम से अभी से रिवीजन करने बैठ जाइए, है ना? शाम तक आप पूरा, है ना, अपना डिनर करने से पहले आप इस सारे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा, बस इन्हीं सारे जो भी मैंने 9 चैप्टर्स बताए हैं, 9 चैप्टर्स के आपको फार्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने वीडियो पे अपने डिस्कस कर रखा हुआ है ना? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके डिस्क्रिप्शन के सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, ताकि कोई भी वहाँ से रिवीजन कर सकता है, ओके? बाकी अगर कोई अदर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी आप लोगों को डिस्कस कर सकूँ, ओके? थैंक यू गाइस।